मैं सबसे पहले शौकत अली चद्दड़ साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान साहब और किसान बोर्ड की सारी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने किसानों के हकूक़ के लिए एक जुरतमंदाना आवाज़ उठाई है। और यहाँ जितने किसान आए हैं, मैं आपके इलम में लाना चाहता हूँ कि ये सारे किसान छोटे ज़िम्मेदार हैं, ये जागीरदार नहीं है। जागीरदार तो असम्बलियों में हुकूमती अम्ब्रेले तले बैठे हुए हैं, असल किसान ये है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है। मैं ये भी वादे तौर पे कहना चाहता हूँ कि पंजाब हुकूमत ने इनके जायज़ मुतालबा सुनने की बजाय, इनके हकूक़ पे बात करने की बजाय, पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया है। रात के अंधेरे में चादर और चार दीवारी के तकद्दस को पमाल किया गया है। और जैसे अभी चद्दर साहब बता रहे थे, 500 से ज़ायद लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये पंजाब हुकूमत की बुखलाहट है, और ये पता ये बात खबर दे रही है कि ये हुकूमत अवामी तईद से महरूम है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। और अगर इन रहनुमाओं को रिहा ना किया गया तो जमात इस्लामी इन किसानों के शाना बिशाना इस हुकूमत के खिलाफ मैदान अमल के अंदर होगी। हमारी डिमांड है अगले 24 घंटे से पहले पहले गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए, इन किसानों के जायज़ मुतालबा सुने जाएँ, इनकी बात को माना जाए। और अगर इस मुल्क में किसान खुशहाल नहीं होगा तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि फिर इस मुल्क के अंदर गल्ले का, अनाज का, अशियाए खुर्दोनोश का कैसा बुहरान जन्म ले लेगा कि जिसके नतीजे में पूरे मुल्क में कहत की कैफियत पैदा हो सकती है। इसलिए हम किसान बोर्ड के मुतालबात की हमायत करते हैं, हम गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं, और पंजाब हुकूमत के इस इकदाम को बुज़दिलाना और उनके इस इकदाम को ज़ालमाना समझते हैं। मेरी डिमांड है कि बुज़दार साहब, आप फिलफौर इन लोगों को रिहा करें और इनकी बात सुने, इनके साथ बैठें और इनके मुतालबात को माने। वरना अगर बिफरे हुए किसान लाहौर पहुंच गए तो पंजाब हुकूमत के लिए सूबे को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पंजाब हुकूमत को फिलफौर बात सुननी चाहिए।